हेलो एवरीवन। तो भाई आपका जो यहाँ पे कंसेप्चुअल सोल्यूशन हम करवाने वाले हैं, बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले यार आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि सर यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, ये पॉइंट है, डेसिमल है, इनको आपने प्लस करना है। ये यहाँ ब्रैकेट, ये क्वेश्चन है 0.105 प्लस 0.024 माइनस 0.008। ठीक है, इसमें से हमने ये सॉल्व कर रहा है, फिर ये आपका आगे मल्टीप्लाई 0.85 है और अपॉन में भी सारे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आपको पता है सिंप्लीफिकेशन करना है, तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेते हैं जो भी वहां मालताल होगा। ठीक है, इसके बाद इसको आप 0.105 प्लस 0.024 करोगे तो कितना हो जाएगा, 549 हो जाएगा। 2 का 2 हो गया, 1 का 1 हो गया और पॉइंट का पॉइंट 0.129। मैंने आपको बता रखा है पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, फिर आपको उसे प्लस करना होता है। माइनस 0.008, पॉइंट के नीचे वहां पे पॉइंट आना चाहिए। चलो ये तो अभी सही चल रहा है, मल्टीप्लाई 0.8, चलो मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ ना, 0.129 इसमें से आपने माइनस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.08। ठीक है, यहाँ तो सब बराबर है, 9 माइनस 8 1, 2 का 2 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, 0.121, तो इस पूरे को मैं लिख लेता हूँ क्या, 0.121। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया 0.121। आगे आपके पास इसमें मल्टीप्लाई 0.85, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.85, या तो आप उन्हें मल्टीप्लाई कर लो, बट मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, जितना हो सके सिंप्लीफाई आप लोगों को करना है, ज्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको उसको नहीं बनाना है। ये आपका 1.7 इंटू 0.022 इंटू 0.25। अब आप इसे, अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इसे इजीली कर लोगे। एक चीज तो आपने देखी है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा 2.5, मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना है, तो मैं सीधे क्या कर लूंगा, 25/10 कर लूंगा। पॉइंट के बाद आपकी जितनी डिजिट होती हैं डिनोमिनेटर में आपको उतनी जीरो लगा लेनी है और उसके आगे 1 आएगा हमेशा। ठीक है, एक तो ये हो गया, और अगर आपके सामने ऐसा लिखा है कहीं पे देखो कि 3.65 है, ठीक है, और डिवाइड में जैसे आपका 2.67 है, तो यहाँ पे देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो मैं सीधे इनको कैंसिल कर सकता हूँ, ये सीधे हो जाएगा 365/267। ठीक है, भले काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पे, हर चीज तो यार आपको यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी चाह रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्चुअल सोल्यूशन पता चल सके। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो देख लो इसको भी, 2.67 डिवाइडेड बाई 2.5, तो इसमें हम क्या कर सकते, देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है या 1 डिजिट है, तो एक एक डिजिट मैं यहां से कैंसिल कर सकता हूं, यहां 1 डिजिट कम हो जाएगी, ये हो जाएगा 26.7 डिवाइडेड बाय, यहां से हट गया 25, है ना, पहले यहां 2 थे तो यहां 1 था, अब यहां 1 हो गया, यहां 1 भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपनी बेसिक कैलकुलेशन को बढ़ा सकते हो, जिससे कि आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। ठीक है, एक तो ये फंडा आपको क्लियर होगा। तो देखो ऊपर भी सारा मल्टीप्लाई है, नीचे भी सारा मल्टीप्लाई है, तो मैं पता क्या कर लेता हूँ, मैं थोड़ी यहाँ पे बढ़िया गेम खेल लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, देखो 0.121 यहाँ पे आपकी 2 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, किसी को भी आप कंसिडर कर सकते हो, मैं जस्ट ऐसे मान ले रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दिया 121, ठीक है, ओके। डिवाइड में देखो उसी की जगह मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, इसमें भी 3 डिजिट थे, तो 3 से 3 आपके डिजिट कैंसिल हो गए, नीचे आपका बच गया क्या, यहाँ भी आपका 0.022 बच गया होगा ना, 0.22 मतलब क्या है, 22 है। ठीक है, क्लियर हो गया सर। ऊपर है आपका इंटू 0.85, पॉइंट के बाद आपके यहाँ कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो मैंने पॉइंट हटा दिया, और नीचे भी अगर आप इस वाले को देखोगे पॉइंट पर यहाँ 2 डिजिट हैं, तो आपने वहां से भी हटा दिया, तो 22 इंटू 25 वहां पे हो गया। ठीक है सर, यहाँ ये 1.7 यहाँ पे ये ऑलरेडी है, आप चाहो तो यहाँ से भी हटा दो, करना के कई तरीके हैं, मैं जस्ट नॉर्मल सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अगर कहीं पे ऐसा हो 1/1.7, अगर मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट है, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 10 से, है ना, मतलब पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है आपको 1 के बाद उतनी 0 लगा लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट आपका हट जाएगा। तो सेम चीज मैंने यहाँ भी गेम खेल लिया, कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट थी, तो मैंने वो हटा दिया, ऊपर मैंने 10 लगा लिया, क्या दिक्कत है भैया। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते, डिवाइड भी कर सकते थे, वहां पे सीधे इनसे इसको कैंसिल आउट कर सकते थे, बट मैंने आपको समझाने के लिए अच्छे से कैलकुलेशन बता दिया ना, मतलब आप 1.7 से 0.85 को भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, चलो अब यहाँ आपको बहुत मस्त चीज दिख रही है, क्या मस्त चीज दिख रही है कि सर देखो 17.5 या 85, 17×5 85 होता है। ठीक है सर, फिर आप देखोगे
आप देखोगे यहाँ पे कि सर मैं 11 से ना इनको कैंसिल कर सकता हूँ। ध्यान से देखना कि सर 11 टू जा 22 और 11 11 जा 121। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फिर ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे 2 से इस 10 को कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, 2 5 जा 10, बिल्कुल सर कर सकता हूँ। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस 5 से मैं इस 25 को कैंसिल कर सकता हूँ। 5 5 जा 25, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में। फिर मैं सर देखो इस 5 से मैं इस 5 को मल्टीप्लाई वो कट कर सकता हूँ, डिवाइड हो गया। लास्ट में आपको क्या बचा, ऊपर बताओ क्या बचा आपको। सिर्फ बचा सर मेरे को रूट के अंदर ये वाला 11। ठीक है, रूट के अंदर आपका 11 आ गया, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब क्योंकि 11 आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा परफेक्ट में, तो ये आप इसे आप अपना आंसर कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं लेकिन वो थोड़ी आपको घुमा फिरा देते हैं। आपको तब दिक्कत आती है जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। छोटी छोटी चीजों को अगर करोगे ना तो आगे हमेशा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और कोई दिक्कत होगी तो कॉन्सेप्ट सोल्यूशन में तो आपका है ही है ना, आप इसीलिए बता दीजिएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इश्यू होगा तो आप लोग बता सकते हो, और आपका भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन वगैरह है तो बता देना। ठीक है, और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, ऑल द बेस्ट।